नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले रॉक स्टार मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2011 को रिलीज हुई रोमांस म्यूजिकल मूवी रॉक स्टार। इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर, शम्मी कपूर, अदिति राव, पीयूष मिश्रा, संजना संगी आदि कलाकार है भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है, जो आप जरूर से ज़रूर देख सकते हो। और यह मूवी आपको G5 पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको G5 और जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएगी। तो इस मूवी को आप G5 पर और जियो सिनेमा पर एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो और दोस्तों इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, तो इरोज इंटरटेनमेंट। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी इरोज इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी इरोज इंटरटेनमेंट ने किया है। बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपये था। दोस्तों आपने सही सुना, इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपये था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 110 करोड़ का कारोबार किया है। तो ये मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ये ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको G5 जियो सिनेमा प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जियो सिनेमा प्राइम वीडियो G5 पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और मैं बता दूँ, यह मूवी के क्लिप आपको फेसबुक पर भी वायरल हो रहे हैं। इस मूवी के क्लिप आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख सकते हो। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों इस प्रकार इस मूवी के आप क्लिप और इंस्टाग्राम पर एंजॉय कर सकते हो। और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनलों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्त मैं बता दूँ, इस मूवी के क्लिप, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों एक बार तो यह मूवी आपको पसंद आने वाली है, तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली है, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और यह मूवी आपको G5 प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको G5 और प्राइम
प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रॉक स्टार मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2011 को रिलीज हुई रोमांस म्यूजिकल मूवी रॉक स्टार। इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर, शम्मी कपूर, अदिति राव, पीयूष मिश्रा, संजना संगी आदि कलाकार है भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है, जो आप ज़रूर से ज़रूर देख सकते हो। और यह मूवी आपको G5 पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको G5 और जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएगी। तो इस मूवी को आप G5 पर और जियो सिनेमा पर एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो और दोस्तों, इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, तो इरोज इंटरटेनमेंट। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी इरोज इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी इरोज इंटरटेनमेंट ने किया है। बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपये था। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपये था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 110 करोड़ का कारोबार किया है। तो ये मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ये ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको G5 जियो सिनेमा प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जियो सिनेमा प्राइम वीडियो G5 पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और मैं बता दूँ, यह मूवी के क्लिप आपको फेसबुक पर भी वायरल हो रहे हैं। इस मूवी के क्लिप आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देख सकते हो। और दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी के आप क्लिप इंस्टाग्राम पर एंजॉय कर सकते हो। और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनलों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों, मैं बता दूँ, इस मूवी के क्लिप, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है, तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है, तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों,
एक बार तो यह मूवी आपको पसंद आने वाली है, तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली है। यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए, और यह मूवी आपको G5 प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको G5 और प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले रॉक स्टार मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2011 को रिलीज हुई रोमांस म्यूजिकल मूवी रॉक स्टार, इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर, शम्मी कपूर, अदिति राव, पीयूष मिश्रा, संजना संगी आदि कलाकार है भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है, जो आप ज़रूर से ज़रूर देख सकते हो। और यह मूवी आपको G5 पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको G5 और जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएगी। तो इस मूवी को आप G5 पर और जियो सिनेमा पर एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो और दोस्तों, इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, तो इरोज इंटरटेनमेंट। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी इरोज इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी इरोज इंटरटेनमेंट ने किया है। बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपये था। दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपए था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 110 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ये जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको G5 जियो सिनेमा प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जियो सिनेमा प्राइम वीडियो G5 पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। और मैं बता दूं, यह मूवी के क्लिप आपको फेसबुक पर भी वायरल हो रहे हैं। इस मूवी के क्लिप आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख सकते हो। और दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी के आप क्लिप और इंस्टाग्राम पर एंजॉय कर सकते हो। और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनलों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए।
और दोस्त मैं बता दूँ इस मूवी के क्लिप यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों एक बार तो यह मूवी आपको पसंद आने वाली है, तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली है। यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और यह मूवी आपको G5 प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको G5 और प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले रॉक स्टार मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2011 को रिलीज हुई रोमांस म्यूजिकल मूवी रॉक स्टार, इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर, शम्मी कपूर, अदिति राव, पीयूष मिश्रा, संजना संगी आदि कलाकार है भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है, जो आप ज़रूर से ज़रूर देख सकते हो। और यह मूवी आपको G5 पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको G5 और जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएगी। तो इस मूवी को आप G5 पर और जियो सिनेमा पर एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो और दोस्तों इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, तो इरोज इंटरटेनमेंट। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी इरोज इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी इरोज इंटरटेनमेंट ने किया है। बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपये था। दोस्तों आपने सही सुना, इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपये था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 110 करोड़ का कारोबार किया है। तो ये मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ये ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको G5 जियो सिनेमा प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जियो सिनेमा प्राइम वीडियो G5 पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और मैं बता दूँ, यह मूवी के क्लिप आपको फेसबुक पर भी वायरल हो रहे हैं। इस मूवी के क्लिप आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख सकते हो। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों इस प्रकार इस मूवी के आप क्लिप और इंस्टाग्राम पर एंजॉय कर सकते हो। और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनलों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा।
और दोस्तों यह मूवी आपको जियो जी सिनेमा के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। और दोस्त मैं बता दूँ, इस मूवी के क्लिप, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, एक बार तो यह मूवी आपको पसंद आने वाली है, तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली है, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविजन पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। और यह मूवी आपको G5 प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको G5 और प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले रॉक स्टार मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2011 को रिलीज हुई रोमांस म्यूजिकल मूवी रॉक स्टार, इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर, शम्मी कपूर, अदिति राव, पीयूष मिश्रा, संजना संगी आदि कलाकार है भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है, जो आप जरूर से जरूर देख सकते हो। और यह मूवी आपको G5 पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको G5 और जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएगी। तो इस मूवी को आप G5 पर और जियो सिनेमा पर एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो और दोस्तों, इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, तो इरोज इंटरटेनमेंट। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी इरोज इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी इरोज इंटरटेनमेंट ने किया है। बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपये था। दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपये था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 110 करोड़ का कारोबार किया है। तो ये मूवी आपको जरूर से जरूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ये जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको G5 जियो सिनेमा प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जियो सिनेमा प्राइम वीडियो G5 पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। और मैं बता दूं, यह मूवी के क्लिप आपको फेसबुक पर भी वायरल हो रहे हैं। इस मूवी के क्लिप आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख सकते हो। और दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, इस
प्रकार इस मूवी के आप क्लिप और इंस्टाग्राम पर एंजॉय कर सकते हो और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनलों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना चाहिए। और दोस्त, मैं बता दूँ, इस मूवी के क्लिप, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, एक बार तो यह मूवी आपको पसंद आने वाली है, तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली है, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और यह मूवी आपको G5 प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको G5 और प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले रॉक स्टार मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2011 को रिलीज हुई रोमांस म्यूजिकल मूवी रॉक स्टार, इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर, शम्मी कपूर, अदिति राव, पीयूष मिश्रा, संजना संगी आदि कलाकार है भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है, जो आप ज़रूर से ज़रूर देख सकते हो। और यह मूवी आपको G5 पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको G5 और जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएगी। तो इस मूवी को आप G5 पर और जियो सिनेमा पर एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो और दोस्तों, इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, तो इरोज इंटरटेनमेंट। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी इरोज इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी इरोज इंटरटेनमेंट ने किया है। बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपये था। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपए था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 110 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ये जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको G5 जियो सिनेमा प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जियो सिनेमा प्राइम वीडियो G5 पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको जरूर से जरूर एंजॉय करना ही
चाहिए। और मैं बता दूं, यह मूवी के क्लिप आपको फेसबुक पर भी वायरल हो रहे हैं। इस मूवी के क्लिप आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख सकते हो। और दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी के आप क्लिप और इंस्टाग्राम पर एंजॉय कर सकते हो। और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनलों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको जियो जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना चाहिए। और दोस्त, मैं बता दूँ, इस मूवी के क्लिप, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, एक बार तो यह मूवी आपको पसंद आने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली है। यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और यह मूवी आपको G5 प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको G5 और प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले रॉक स्टार मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2011 को रिलीज हुई रोमांस म्यूजिकल मूवी रॉक स्टार, इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर, शम्मी कपूर, अदिति राव, पीयूष मिश्रा, संजना संगी आदि कलाकार है भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है, जो आप ज़रूर से ज़रूर देख सकते हो। और यह मूवी आपको G5 पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको G5 और जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएगी। तो इस मूवी को आप G5 पर और जियो सिनेमा पर एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो और दोस्तों, इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, तो इरोज इंटरटेनमेंट। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी इरोज इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी इरोज इंटरटेनमेंट ने किया है। बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपये था। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपये था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 110 करोड़ का कारोबार किया है। तो ये मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ये ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर
जरूर इंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको G5 जियो सिनेमा प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जियो सिनेमा प्राइम वीडियो G5 पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको जरूर से जरूर इंजॉय करना ही चाहिए। और मैं बता दूँ, यह मूवी के क्लिप आपको फेसबुक पर भी वायरल हो रहे हैं। इस मूवी के क्लिप आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख सकते हो। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी के आप क्लिप इंस्टाग्राम पर एंजॉय कर सकते हो। और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनलों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों, मैं बता दूँ, इस मूवी के क्लिप, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, एक बार तो यह मूवी आपको पसंद आने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली है। यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और यह मूवी आपको G5 प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको G5 और प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले रॉक स्टार मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2011 को रिलीज हुई रोमांस म्यूजिकल मूवी रॉक स्टार, इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर, शम्मी कपूर, अदिति राव, पीयूष मिश्रा, संजना संगी आदि कलाकार है भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है, जो आप ज़रूर से ज़रूर देख सकते हो। और यह मूवी आपको G5 पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको G5 और जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएगी। तो इस मूवी को आप G5 पर और जियो सिनेमा पर एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो और दोस्तों, इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, तो इरोज इंटरटेनमेंट। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी इरोज इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी इरोज इंटरटेनमेंट ने किया है। बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपये था। दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपये था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 110 करोड़ का कारोबार किया है। तो ये मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी।
हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ये जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको G5 जियो सिनेमा प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जियो सिनेमा प्राइम वीडियो G5 पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। और मैं बता दूं, यह मूवी के क्लिप आपको फेसबुक पर भी वायरल हो रहे हैं। इस मूवी के क्लिप आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख सकते हो। और दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी के आप क्लिप इंस्टाग्राम पर एंजॉय कर सकते हो। और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनलों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों, मैं बता दूँ, इस मूवी के क्लिप, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, एक बार तो यह मूवी आपको पसंद आने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली है। यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और यह मूवी आपको G5 प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको G5 और प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले रॉक स्टार मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2011 को रिलीज हुई रोमांस म्यूजिकल मूवी रॉक स्टार, इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर, शम्मी कपूर, अदिति राव, पीयूष मिश्रा, संजना संगी आदि कलाकार है भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है, जो आप ज़रूर से ज़रूर देख सकते हो। और यह मूवी आपको G5 पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको G5 और जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएगी। तो इस मूवी को आप G5 पर और जियो सिनेमा पर एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो और दोस्तों, इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, तो इरोज इंटरटेनमेंट। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी इरोज इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी इरोज इंटरटेनमेंट ने किया है। बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपये था। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी का बजट 50
करोड़ रुपए था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 110 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ये जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको G5 जियो सिनेमा प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जियो सिनेमा प्राइम वीडियो G5 पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। और मैं बता दूँ, यह मूवी के क्लिप आपको फेसबुक पर भी वायरल हो रहे हैं। इस मूवी के क्लिप आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख सकते हो। और दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी के आप क्लिप पर इंस्टाग्राम पर एंजॉय कर सकते हो। और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनलों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों, मैं बता दूँ, इस मूवी के क्लिप, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, एक बार तो यह मूवी आपको पसंद आने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली है। यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और यह मूवी आपको G5 प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको G5 और प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले रॉक स्टार मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2011 को रिलीज हुई रोमांस म्यूजिकल मूवी रॉक स्टार, इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर, शम्मी कपूर, अदिति राव, पीयूष मिश्रा, संजना संगी आदि कलाकार है भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है, जो आप जरूर से ज़रूर देख सकते हो। और यह मूवी आपको G5 पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको G5 और जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएगी। तो इस मूवी को आप G5 पर और जियो सिनेमा पर एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से ज़रूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो
और दोस्तों इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया A.R. रहमान ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया A.R. रहमान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी तो इरोज इंटरटेनमेंट। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी इरोज इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी इरोज इंटरटेनमेंट ने किया है। बात करें इस मूवी के बजट की तो इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपये था। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपए था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 110 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ये जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको G5 जियो सिनेमा प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जियो सिनेमा प्राइम वीडियो G5 पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। और मैं बता दूं, यह मूवी के क्लिप आपको फेसबुक पर भी वायरल हो रहे हैं। इस मूवी के क्लिप आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख सकते हो। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों इस प्रकार इस मूवी के आप क्लिप और इंस्टाग्राम पर एंजॉय कर सकते हो। और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनलों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों मैं बता दूँ, इस मूवी के क्लिप यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों एक बार तो यह मूवी आपको पसंद आने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली है। यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविजन पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। और यह मूवी आपको G5 प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको G5 और प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले रॉक स्टार मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2011 को रिलीज हुई रोमांस म्यूजिकल मूवी रॉक स्टार। इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर, सम्मी कपूर, अदिति राव, पीयूष मिश्रा, संजना संगी आदि कलाकार है भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है, जो आप जरूर से जरूर देख सकते हो। और यह मूवी आपको G5 पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको G5 और जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएगी। तो इस आप मूवी को आप G5 और जियो सिनेमा पर एंजॉय कर सकते हो।
हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से ज़रूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी की तो, और दोस्तों इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया A.R. रहमान ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया A.R. रहमान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी तो इरोज इंटरटेनमेंट। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी इरोज इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी इरोज इंटरटेनमेंट ने किया है। बात करें इस मूवी के बजट की तो इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपये था। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपए था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मूवी ने 110 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ये जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको G5 जियो सिनेमा प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको जियो सिनेमा प्राइम वीडियो G5 पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। और मैं बता दूं, यह मूवी के क्लिप आपको फेसबुक पर भी वायरल हो रहे हैं। इस मूवी के क्लिप आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख सकते हो। और दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मूवी के क्लिप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी के आप क्लिप इंस्टाग्राम पर एंजॉय कर सकते हो। और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनलों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों, मैं बता दूँ, इस मूवी के क्लिप, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, एक बार तो यह मूवी आपको पसंद आने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली है। यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और यह मूवी आपको G5 प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको G5 और प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले रॉक स्टार मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2011 को रिलीज हुई रोमांस म्यूजिकल मूवी रॉक स्टार। इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर, शम्मी कपूर, अदिति राव, पीयूष मिश्रा, संजना संगी आदि कलाकार है भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस
प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है, जो आप ज़रूर से ज़रूर देख सकते हो। और यह मूवी आपको G5 पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको G5 और जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएगी। तो इस मूवी को आप G5 पर और जियो सिनेमा पर एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी की तो, और दोस्तों इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी तो इरोज इंटरटेनमेंट। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी इरोज इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी इरोज इंटरटेनमेंट ने किया है। बात करें इस मूवी के बजट की तो, इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपये था। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपए था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 110 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ये जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको G5 जियो सिनेमा प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जियो सिनेमा प्राइम वीडियो G5 पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। और मैं बता दूं, यह मूवी के क्लिप आपको फेसबुक पर भी वायरल हो रहे हैं। इस मूवी के क्लिप आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी के आप क्लिप और इंस्टाग्राम पर एंजॉय कर सकते हो। और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनलों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्त, मैं बता दूँ, इस मूवी के क्लिप, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, एक बार तो यह मूवी आपको पसंद आने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली है। यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और यह मूवी आपको G5 प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको G5 और प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले रॉक स्टार मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2011 को रिलीज हुई रोमांस म्यूजिकल मूवी रॉक स्टार, इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर, सम्मी कपूर, अदिति राव, पीयूष मिश्रा,
मिश्रा, संजना संगी आदि कलाकार है भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा 39 मिनट के करीब है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा 39 मिनट के करीब है, जो आप ज़रूर से ज़रूर देख सकते हो। और यह मूवी आपको G5 पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको G5 और जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएगी। तो इस मूवी को आप G5 पर और जियो सिनेमा पर एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो और दोस्तों इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, तो इरोज इंटरटेनमेंट। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी इरोज इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी इरोज इंटरटेनमेंट ने किया है। बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपये था। दोस्तों आपने सही सुना, इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपये था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 110 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ये ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको G5 जियो सिनेमा प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जियो सिनेमा प्राइम वीडियो G5 पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और मैं बता दूँ, यह मूवी के क्लिप आपको फेसबुक पर भी वायरल हो रहे हैं। इस मूवी के क्लिप आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख सकते हो। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कर सकती हो। हाँ दोस्तों इस प्रकार इस मूवी के आप क्लिप और इंस्टाग्राम पर एंजॉय कर सकते हो। और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनलों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों मैं बता दूँ, इस मूवी के क्लिप, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों एक बार तो यह मूवी आपको पसंद आने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली है। यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और यह मूवी आपको G5 प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको G5 और प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले रॉक स्टार मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2011 को रिलीज हुई रोमांस म्यूजिकल मूवी
रॉक स्टार। इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर, शम्मी कपूर, अदिति राव, पीयूष मिश्रा, संजना संगी आदि कलाकार है भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है, जो आप ज़रूर से ज़रूर देख सकते हो। और यह मूवी आपको G5 पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको G5 और जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएगी। तो इस आप मूवी को आप G5 पर और जियो सिनेमा पर एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो और दोस्तों इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, तो इरोज इंटरटेनमेंट। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी इरोज इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी इरोज इंटरटेनमेंट ने किया है। बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपये था। दोस्तों आपने सही सुना, इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपए था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 110 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ये जरूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको G5 जियो सिनेमा प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जियो सिनेमा प्राइम वीडियो G5 पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और मैं बता दूं, यह मूवी के क्लिप आपको फेसबुक पर भी वायरल हो रहे हैं। इस मूवी के क्लिप आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख सकते हो। और दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों इस प्रकार इस मूवी के आप क्लिप इंस्टाग्राम पर एंजॉय कर सकते हो। और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनलों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्त मैं बता दूँ, इस मूवी के क्लिप, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों एक बार तो यह मूवी आपको पसंद आने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली है। यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और यह मूवी आपको G5 प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको G5 और प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले रॉक स्टार मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन से आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2011 को रिलीज हुई रोमांस म्यूजिकल मूवी रॉक स्टार। इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर, शम्मी कपूर, अदिति राव, पीयूष मिश्रा, संजना संगी आदि कलाकार है भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है, जो आप ज़रूर से ज़रूर देख सकते हो। और यह मूवी आपको G5 पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको G5 और जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएगी। तो इस मूवी को आप G5 पर और जियो सिनेमा पर एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो और दोस्तों इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, तो इरोज इंटरटेनमेंट। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी इरोज इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी इरोज इंटरटेनमेंट ने किया है। बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपये था। दोस्तों आपने सही सुना, इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपए था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 110 करोड़ का कारोबार किया है। तो ये मूवी आपको जरूर से जरूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ये जरूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको G5 जियो सिनेमा प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जियो सिनेमा प्राइम वीडियो G5 पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और मैं बता दूं, यह मूवी के क्लिप आपको फेसबुक पर भी वायरल हो रहे हैं। इस मूवी के क्लिप आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख सकते हो। और दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों इस प्रकार इस मूवी के आप क्लिप और इंस्टाग्राम पर एंजॉय कर सकते हो। और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनलों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्त मैं बता दूँ, इस मूवी के क्लिप, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों एक बार तो यह मूवी आपको पसंद आने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली है। यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और यह मूवी आपको G5 प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको G5 और प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो।
तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रॉक स्टार मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2011 को रिलीज हुई रोमांस म्यूजिकल मूवी रॉक स्टार। इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर, शम्मी कपूर, अदिति राव, पीयूष मिश्रा, संजना संगी आदि कलाकार है भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है, जो आप जरूर से ज़रूर देख सकते हो। और यह मूवी आपको G5 पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको G5 और जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएगी। तो इस मूवी को आप G5 पर और जियो सिनेमा पर एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से ज़रूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो और दोस्तों इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, तो इरोज इंटरटेनमेंट। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी इरोज इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी इरोज इंटरटेनमेंट ने किया है। बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपये था। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपये था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 110 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ये जरूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको G5 जियो सिनेमा प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जियो सिनेमा प्राइम वीडियो G5 पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और मैं बता दूँ, यह मूवी के क्लिप आपको फेसबुक पर भी वायरल हो रहे हैं। इस मूवी के क्लिप आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख सकते हो। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों इस प्रकार इस मूवी के आप क्लिप और इंस्टाग्राम पर एंजॉय कर सकते हो। और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनलों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों मैं बता दूँ, इस मूवी के क्लिप, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों एक बार तो यह मूवी आपको पसंद आने वाली है, तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको बहुत
पसंद आने वाली हुई यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविजन पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए और यह मूवी आपको G5 प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको G5 और प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले रॉक स्टार मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2011 को रिलीज हुई रोमांस म्यूजिकल मूवी रॉक स्टार, इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर, शम्मी कपूर, अदिति राव, पीयूष मिश्रा, संजना संगी आदि कलाकार है भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है, जो आप जरूर से ज़रूर देख सकते हो। और यह मूवी आपको G5 पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको G5 और जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएगी। तो इस आप मूवी को आप G5 पर और जियो सिनेमा पर एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से ज़रूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो और दोस्तों, इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, तो इरोज इंटरटेनमेंट। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी इरोज इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी इरोज इंटरटेनमेंट ने किया है। बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपये था। दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपये था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 110 करोड़ का कारोबार किया है। तो ये मूवी आपको जरूर से ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ये जरूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको G5 जियो सिनेमा प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जियो सिनेमा प्राइम वीडियो G5 पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको जरूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और मैं बता दूँ, यह मूवी के क्लिप आपको फेसबुक पर भी वायरल हो रहे हैं। इस मूवी के क्लिप आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख सकते हो। और दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी के आप क्लिप इंस्टाग्राम पर एंजॉय कर सकते हो। और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनलों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको जरूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्त, मैं बता दूँ, इस मूवी के क्लिप, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है, तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है, तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों,
एक बार तो यह मूवी आपको पसंद आने वाली है, तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली है। यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविजन पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए, और यह मूवी आपको G5 प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको G5 और प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले रॉक स्टार मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2011 को रिलीज हुई रोमांस म्यूजिकल मूवी रॉक स्टार, इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर, शम्मी कपूर, अदिति राव, पीयूष मिश्रा, संजना संगी आदि कलाकार है भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है, जो आप जरूर से जरूर देख सकते हो। और यह मूवी आपको G5 पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको G5 और जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएगी। तो इस मूवी को आप G5 पर और जियो सिनेमा पर एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो और दोस्तों, इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, तो इरोज इंटरटेनमेंट। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी इरोज इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी इरोज इंटरटेनमेंट ने किया है। बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपये था। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपए था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 110 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ये जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको G5 जियो सिनेमा प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जियो सिनेमा प्राइम वीडियो G5 पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। और मैं बता दूं, यह मूवी के क्लिप आपको फेसबुक पर भी वायरल हो रहे हैं। इस मूवी के क्लिप आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख सकते हो। और दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी के आप क्लिप और इंस्टाग्राम पर एंजॉय कर सकते हो। और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनलों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए।
और दोस्त मैं बता दूँ, इस मूवी के क्लिप यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, एक बार तो यह मूवी आपको पसंद आने वाली है, तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली है। यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और यह मूवी आपको G5 प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको G5 और प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रॉक स्टार मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2011 को रिलीज हुई रोमांस म्यूजिकल मूवी रॉक स्टार, इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर, शम्मी कपूर, अदिति राव, पीयूष मिश्रा, संजना संगी आदि कलाकार है भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है, जो आप ज़रूर से ज़रूर देख सकते हो। और यह मूवी आपको G5 पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको G5 और जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएगी। तो इस मूवी को आप G5 पर और जियो सिनेमा पर एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो और दोस्तों, इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, तो इरोज इंटरटेनमेंट। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी इरोज इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी इरोज इंटरटेनमेंट ने किया है। बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपये था। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपये था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 110 करोड़ का कारोबार किया है। तो ये मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ये ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको G5 जियो सिनेमा प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जियो सिनेमा प्राइम वीडियो G5 पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और मैं बता दूँ, यह मूवी के क्लिप आपको फेसबुक पर भी वायरल हो रहे हैं। इस मूवी के क्लिप आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी के आप क्लिप और इंस्टाग्राम पर एंजॉय कर सकते हो। और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनलों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय कीजिएगा।
और दोस्तों यह मूवी आपको जियो जी सिनेमा के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्त मैं बता दूँ, इस मूवी के क्लिप, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, एक बार तो यह मूवी आपको पसंद आने वाली है, तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली है, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविजन पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। और यह मूवी आपको G5 प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको G5 और प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले रॉक स्टार मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2011 को रिलीज हुई रोमांस म्यूजिकल मूवी रॉक स्टार, इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर, सम्मी कपूर, अदिति राव, पीयूष मिश्रा, संजना संगी आदि कलाकार है भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है, जो आप जरूर से जरूर देख सकते हो। और यह मूवी आपको G5 पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको G5 और जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएगी। तो इस मूवी को आप G5 पर और जियो सिनेमा पर एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो और दोस्तों, इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, तो इरोज इंटरटेनमेंट। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी इरोज इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी इरोज इंटरटेनमेंट ने किया है। बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपये था। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपये था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 110 करोड़ का कारोबार किया है। तो ये मूवी आपको जरूर से जरूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ये जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको G5 जियो सिनेमा प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जियो सिनेमा प्राइम वीडियो G5 पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। और मैं बता दूं, यह मूवी के क्लिप आपको फेसबुक पर भी वायरल हो रहे हैं। इस मूवी के क्लिप आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख सकते हो। और दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी के आप क्लिप और इंस्टाग्राम पर एंजॉय कर सकते हो। और यह मूवी आपको
टेलीग्राम के चैनलों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको जियो जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्त, मैं बता दूँ, इस मूवी के क्लिप, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, एक बार तो यह मूवी आपको पसंद आने वाली है, तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली है, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और यह मूवी आपको G5 प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको G5 और प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले रॉक स्टार मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2011 को रिलीज हुई रोमांस म्यूजिकल मूवी रॉक स्टार, इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर, शम्मी कपूर, अदिति राव, पीयूष मिश्रा, संजना संगी आदि कलाकार है भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है, जो आप ज़रूर से ज़रूर देख सकते हो। और यह मूवी आपको G5 पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको G5 और जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएगी। तो इस मूवी को आप G5 पर और जियो सिनेमा पर एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो और दोस्तों, इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, तो इरोज इंटरटेनमेंट। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी इरोज इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी इरोज इंटरटेनमेंट ने किया है। बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपए था। दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपए था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 110 करोड़ का कारोबार किया है। तो ये मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ये ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको G5 जियो सिनेमा प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जियो सिनेमा प्राइम वीडियो G5 पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और मैं बता दूँ, यह मूवी के क्लिप आपको फेसबुक पर भी वायरल हो रहे हैं। इस मूवी के क्लिप आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों,
प्रकार इस मूवी के आप क्लिप पर इंस्टाग्राम पर एंजॉय कर सकते हो और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनलों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्त, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको जियो जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्त, मैं बता दूँ, इस मूवी के क्लिप यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, एक बार तो यह मूवी आपको पसंद आने वाली है, तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली है, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और यह मूवी आपको G5 प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको G5 और प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले रॉक स्टार मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2011 को रिलीज हुई रोमांस म्यूजिकल मूवी रॉक स्टार, इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर, शम्मी कपूर, अदिति राव, पीयूष मिश्रा, संजना संगी आदि कलाकार है भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है, जो आप ज़रूर से ज़रूर देख सकते हो। और यह मूवी आपको G5 पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको G5 और जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएगी। तो इस मूवी को आप G5 पर और जियो सिनेमा पर एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो और दोस्तों, इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, तो इरोज इंटरटेनमेंट। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी इरोज इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी इरोज इंटरटेनमेंट ने किया है। बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपये था। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपये था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 110 करोड़ का कारोबार किया है। तो ये मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ये ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको G5 जियो सिनेमा प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जियो सिनेमा प्राइम वीडियो G5 पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही
चाहिए वो मैं बता दूँ। यह मूवी के क्लिप आपको फेसबुक पर भी वायरल हो रहे हैं। इस मूवी के क्लिप आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख सकते हो। और दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी के आप क्लिप इंस्टाग्राम पर एंजॉय कर सकते हो। और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनलों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको जियो जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों मैं बता दूँ, इस मूवी के क्लिप यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, एक बार तो यह मूवी आपको पसंद आने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली है। यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और यह मूवी आपको G5 प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको G5 और प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले रॉक स्टार मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2011 को रिलीज हुई रोमांस म्यूजिकल मूवी रॉक स्टार। इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर, सम्मी कपूर, अदिति राव, पीयूष मिश्रा, संजना संगी आदि कलाकार है भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है, जो आप ज़रूर से ज़रूर देख सकते हो। और यह मूवी आपको G5 पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको G5 और जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएगी। तो इस आप मूवी को आप G5 पर और जियो सिनेमा पर एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो और दोस्तों, इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, तो इरोज इंटरटेनमेंट। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी इरोज इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी इरोज इंटरटेनमेंट ने किया है। बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपये था। दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपये था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 110 करोड़ का कारोबार किया है। तो ये मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ये ज़रूर से ज़रूर
एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो जरूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको G5 जियो सिनेमा प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको जियो सिनेमा प्राइम वीडियो G5 पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और मैं बता दूँ, यह मूवी के क्लिप आपको फेसबुक पर भी वायरल हो रहे हैं। इस मूवी के क्लिप आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख सकते हो। और दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी के आप क्लिप इंस्टाग्राम पर एंजॉय कर सकते हो। और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनलों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों, मैं बता दूँ, इस मूवी के क्लिप, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, एक बार तो यह मूवी आपको पसंद आने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली है। यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और यह मूवी आपको G5 प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको G5 और प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले रॉक स्टार मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2011 को रिलीज हुई रोमांस म्यूजिकल मूवी रॉक स्टार। इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर, शम्मी कपूर, अदिति राव, पीयूष मिश्रा, संजना संगी आदि कलाकार है भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है, जो आप ज़रूर से ज़रूर देख सकते हो। और यह मूवी आपको G5 पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको G5 और जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएगी। तो इस मूवी को आप G5 पर और जियो सिनेमा पर एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो और दोस्तों, इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, तो इरोज इंटरटेनमेंट। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी इरोज इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी इरोज इंटरटेनमेंट ने किया है। बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपये था। दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपए था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 110 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी।
हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ये ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको G5 जियो सिनेमा प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जियो सिनेमा प्राइम वीडियो G5 पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और मैं बता दूं, यह मूवी के क्लिप आपको फेसबुक पर भी वायरल हो रहे हैं। इस मूवी के क्लिप आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख सकते हो। और दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी के आप क्लिप और इंस्टाग्राम पर एंजॉय कर सकते हो। और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनलों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्त, मैं बता दूँ, इस मूवी के क्लिप, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, एक बार तो यह मूवी आपको पसंद आने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली है। यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और यह मूवी आपको G5 प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको G5 और प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले रॉक स्टार मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2011 को रिलीज हुई रोमांस म्यूजिकल मूवी रॉक स्टार, इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर, शम्मी कपूर, अदिति राव, पीयूष मिश्रा, संजना संगी आदि कलाकार है भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है, जो आप ज़रूर से ज़रूर देख सकते हो। और यह मूवी आपको G5 पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको G5 और जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएगी। तो इस मूवी को आप G5 पर और जियो सिनेमा पर एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो और दोस्तों, इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, तो इरोज इंटरटेनमेंट। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी इरोज इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी इरोज इंटरटेनमेंट ने किया है। बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपये था। दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी का बजट 50
50 करोड़ रुपए था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 110 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ये जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको G5 जियो सिनेमा प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जियो सिनेमा प्राइम वीडियो G5 पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। और मैं बता दूँ, यह मूवी के क्लिप आपको फेसबुक पर भी वायरल हो रहे हैं। इस मूवी के क्लिप आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख सकते हो। और दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी के आप क्लिप और इंस्टाग्राम पर एंजॉय कर सकते हो। और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनलों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों, मैं बता दूँ, इस मूवी के क्लिप, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, एक बार तो यह मूवी आपको पसंद आने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली है। यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविजन पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। और यह मूवी आपको G5 प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको G5 और प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले रॉक स्टार मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2011 को रिलीज हुई रोमांस म्यूजिकल मूवी रॉक स्टार। इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर, शम्मी कपूर, अदिति राव, पीयूष मिश्रा, संजना संगी आदि कलाकार है भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है, जो आप जरूर से जरूर देख सकते हो। और यह मूवी आपको G5 पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको G5 और जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएगी। तो इस मूवी को आप G5 पर और जियो सिनेमा पर एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो
और दोस्तों इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया A.R. रहमान ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया A.R. रहमान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी तो इरोज इंटरटेनमेंट। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी इरोज इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी इरोज इंटरटेनमेंट ने किया है। बात करें इस मूवी के बजट की तो इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपये था। दोस्तों आपने सही सुना, इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपये था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 110 करोड़ का कारोबार किया है। तो ये मूवी आपको जरूर से जरूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ये जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको G5 जियो सिनेमा प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जियो सिनेमा प्राइम वीडियो G5 पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। और मैं बता दूं, यह मूवी के क्लिप आपको फेसबुक पर भी वायरल हो रहे हैं। इस मूवी के क्लिप आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख सकते हो। और दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों इस प्रकार इस मूवी के आप क्लिप इंस्टाग्राम पर एंजॉय कर सकते हो। और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनलों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों मैं बता दूँ, इस मूवी के क्लिप यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों एक बार तो यह मूवी आपको पसंद आने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली है। यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविजन पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। और यह मूवी आपको G5 प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको G5 और प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले रॉक स्टार मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2011 को रिलीज हुई रोमांस म्यूजिकल मूवी रॉक स्टार, इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर, शम्मी कपूर, अदिति राव, पीयूष मिश्रा, संजना संगी आदि कलाकार है भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा और 39 मिनट के करीब है, जो आप जरूर से जरूर देख सकते हो। और यह मूवी आपको G5 पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, यह मूवी आपको G5 और जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएगी। तो इस मूवी को आप G5 और जियो सिनेमा पर एंजॉय कर सकते हो।
हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी की तो, और दोस्तों इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया A.R. रहमान ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया A.R. रहमान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी तो इरोज इंटरटेनमेंट। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी इरोज इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी इरोज इंटरटेनमेंट ने किया है। बात करें इस मूवी के बजट की तो इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपए था। दोस्तों आपने सही सुना, इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपए था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 110 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ये जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको G5 जियो सिनेमा प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जियो सिनेमा प्राइम वीडियो G5 पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। और मैं बता दूं, यह मूवी के क्लिप आपको फेसबुक पर भी वायरल हो रहे हैं। इस मूवी के क्लिप आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख सकते हो। और दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी के आप क्लिप और इंस्टाग्राम पर एंजॉय कर सकते हो। और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनलों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्त, मैं बता दूँ, इस मूवी के क्लिप, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, एक बार तो यह मूवी आपको पसंद आने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली है। यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविजन पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको जरूर से जरूर एंजॉय करना ही चाहिए। और यह मूवी आपको G5 प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको G5 और प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रॉक स्टार मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2011 को रिलीज हुई रोमांस म्यूजिकल मूवी रॉक स्टार। इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर, शम्मी कपूर, अदिति राव, पीयूष मिश्रा, संजना संगी आदि कलाकार है भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस
प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा 39 मिनट के करीब है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा 39 मिनट के करीब है, जो आप ज़रूर से ज़रूर देख सकते हो। और यह मूवी आपको G5 पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको G5 और जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएगी। तो इस आप मूवी को आप G5 पर और जियो सिनेमा पर एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी की तो, और दोस्तों इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी तो इरोज इंटरटेनमेंट। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी इरोज इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी इरोज इंटरटेनमेंट ने किया है। बात करें इस मूवी के बजट की तो, इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपये था। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपये था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 110 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ये ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए, यह मूवी आपको G5 जियो सिनेमा प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जियो सिनेमा प्राइम वीडियो G5 पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और मैं बता दूँ, यह मूवी के क्लिप आपको फेसबुक पर भी वायरल हो रहे हैं। इस मूवी के क्लिप आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी के आप क्लिप और इंस्टाग्राम पर एंजॉय कर सकते हो। और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनलों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों, मैं बता दूँ, इस मूवी के क्लिप, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, एक बार तो यह मूवी आपको पसंद आने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली है। यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और यह मूवी आपको G5 प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको G5 और प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले रॉक स्टार मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए, धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2011 को रिलीज हुई रोमांस म्यूजिकल मूवी रॉक स्टार, इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया इम्तियाज अली ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। और दोस्तों, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो इस मूवी के अंदर आपको रणवीर कपूर, शम्मी कपूर, अदिति राव, पीयूष मिश्रा,
गीता, संजना संगी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा 39 मिनट के करीब है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा 39 मिनट के करीब है, जो आप ज़रूर से ज़रूर देख सकते हो। और यह मूवी आपको G5 पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह मूवी आपको G5 और जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएगी। तो इस आप मूवी को आप G5 पर और जियो सिनेमा पर एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो और दोस्तों, इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया AR रहमान ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, तो इरोज इंटरटेनमेंट। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी इरोज इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी इरोज इंटरटेनमेंट ने किया है। बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपये था। दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपये था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ का कारोबार किया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने 110 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ये ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्रकार इस मूवी को आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। यह मूवी आपको G5 जियो सिनेमा प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जियो सिनेमा प्राइम वीडियो G5 पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और मैं बता दूँ, यह मूवी के क्लिप आपको फेसबुक पर भी वायरल हो रहे हैं। इस मूवी के क्लिप आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख सकते हो। और दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी के आप क्लिप इंस्टाग्राम पर एंजॉय कर सकते हो। और यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनलों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और दोस्तों, मैं बता दूँ, इस मूवी के क्लिप, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, एक बार तो यह मूवी आपको पसंद आने वाली है। तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली है। यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जी सिनेमा के टेलीविज़न पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस मूवी को आपको ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करना ही चाहिए। और यह मूवी आपको G5 प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको G5 और प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।